नमस्कार, आज हम बताएंगे कि हार्ट अटैक में पेन कहाँ, किस प्रकार का और कितने समय तक होता है, जिससे मेडिकल इमरजेंसी का समय रहते इंतजाम किया जा सके। हार्ट अटैक में हार्ट के एक पोर्शन की ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाती है। पूरे शरीर का फंक्शन खून की सप्लाई पर ही निर्भर करता है। इसी प्रकार हार्ट भी खून के सहारे ही जिंदा रहता है। हार्ट से निकली हुई खून की नलियां सबसे पहले हार्ट की मसल्स को खून भेजती हैं। अगर हार्ट की खून की सप्लाई बंद हो जाए तो सारे बॉडी की तरह की ब्लड सप्लाई अपने आप बंद हो जाएगी। हार्ट की किसी भी एक नली के जाम होने पर हार्ट का एक पोर्शन डेड हो जाता है और इस प्रोसेस में हम लोगों को पेन महसूस होता है। इसी को हार्ट अटैक कहते हैं। जितने पोर्शन की ब्लड सप्लाई बंद होती है उतने ही पोर्शन के डेड होने के बाद पेन भी प्राय खत्म हो जाता है। जैसे ब्लड प्रेशर चेक करते समय जब हम इंस्ट्रूमेंट में हवा भरते हैं तो शुरू में झनझनाहट और बाद में खून बंद होने से हाथ की मसल्स में दर्द होने लगता है, उसी प्रकार हार्ट में भी खून बंद होने से हार्ट की मसल्स में दर्द होता है। हार्ट का दर्द कहाँ और किस प्रकार का होगा इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हार्ट के किस भाग में सप्लाई बंद हुई है। दर्द के साथ और भी कई तकलीफें या कष्ट भी आ सकते हैं। प्राय हार्ट अटैक अर्ली मॉर्निंग रेस्टिंग कंडीशन में होता है। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में यह पेन चेस्ट के सेंट्रल भाग में रहता है। इस पेन का डिस्क्रिप्शन हैवी क्रशिंग या स्क्वीजिंग होता है जो चेस्ट के डीप में फील किया जाता है। यह यहाँ से दूसरी जगह भी ट्रेवल कर सकता है। नंबर एक, लेफ्ट साइड में शोल्डर और अपर आर्म में जा सकता है। नंबर दो, नेक में भी कंटिन्यूटी में हो सकता है। नंबर थ्री, चेस्ट से नेक में होते हुए लोअर जॉ तक भी पहुंच सकता है। नंबर चार, चेस्ट से एब्डोमेन के ऊपरी भाग में भी फील किया जा सकता है। नंबर पाँच, चेस्ट से शुरू होकर अम्बिलिकस यानी नाभि तक भी ट्रेवल कर सकता है। नंबर सिक्स, कभी पेन केवल बैक में होता है। नंबर सेवन, कभी केवल लेफ्ट रिस्ट में ही पेन होता है। नंबर एट, कभी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए पेट के ऊपरी भाग में ही सीमित रहता है। पेन के साथ कभी कभी स्वेटिंग, नौजिया, वोमिटिंग, वीकनेस, पल्पिटेशन, गिडीनेस या एंग्जाइटी भी आ जाते हैं या नहीं भी आ सकते हैं। अगर हार्ट अटैक का पेन वॉकिंग के समय हो रहा है तो वॉकिंग बंद करने से भी नहीं रुकेगा। इस्कीमिया या एंजाइना का पेन रुक जाता है। अनफॉर्चुनेटली 15% पेशेंट्स में पेन बिल्कुल भी नहीं होता है। इससे सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाती है। कुछ में केवल धड़कन, पसीना, नौजिया, वोमिटिंग या वीकनेस ही आकर रह जाते हैं, जिससे पेशेंट अर्ली मेडिकल हेल्प नहीं ले पाता है। पर याद रखें, अचानक ही बेचैनी महसूस होती है या तकलीफ सा लगता है, अजीब सा लगता है और अंदर ही अंदर महसूस हो कि कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब है और मेडिकल हेल्प की ज़रूरत महसूस होने लगे,
तो ऐसी अवस्था में बाहरी तकलीफ कम भी हो तो जरूर इमरजेंसी हेल्प लें। गैस की तकलीफ समझकर ग्रेव सिचुएशन को न टालें। लेडीज और डायबिटीज के मरीजों में पेनलेस हार्ट अटैक होने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। अगर घर पर मेडिकल हेल्प पहुंचने में देरी है तो पास के बड़े हॉस्पिटल में ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम या ट्रॉप्टी टेस्ट जरूर करवा लें। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।